स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में आज की वीडियो में देखो ये ड्राइवर है और जो यहाँ पे टाइगर है इन दोनों के बीच में कंपैरिजन बताऊंगा मैं आपको ये गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी हुई है लेकिन यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों के टॉप मॉडल खड़े हैं ये इसका आर एक्स जो टर्बो वेरियंट आता है इसमें नॉन टर्बो टर्बो वेरियंट दोनों आपको मिलते हैं टर्बो वेरियंट है और ये इस गाड़ी का टॉप मॉडल है मैनुअल दोनों मैनुअल में है ये बिना डेउल्टोन वाला दोनों इसके ऊपर भी आपको डेउल्टन मिलता है दोनों के डेउल्टन मॉडल को हटा दें तो ये आपके टॉप वेरियंट बनते हैं अब यहाँ पे देखेंगे प्राइस डिफरेंस क्या है क्योंकि अगर आप सस्ते में कंफर्टेबल और एक सेफ कार चाहते हैं तो ये दोनों गाड़ियां आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकती है ये इंडिया की सबसे सस्ती सेवन सीटर गाड़ी है तो दस लाख रुपए के अंदर आपको कोई भी सेवन सीटर कार नहीं मिलती लेकिन रोनल्ड आपको ड्राइवर देती है अगर आपको एक कॉम्पैक्ट एस चाहिए तो आप यहाँ पर आपके पास कायगर प्राइस की बात करूँ तो ये जो कायगर इसमें कैसा टॉप मॉडल है और ये आपको एक्स शोरूम पड़ जाता है सेवन लैख सेवेंटी नाइन थाउजेंड रुपीज का और ये जो कायगर है आर एक्ट टर्बो वेरियंट ये आपको एक्स शोरूम पड़ता है साढ़े नौ लाख रुपए का अब अगर मैं लुक वाइज बात यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे लुक वाइज कंपेयर करना थोड़ा मुझे लगता है 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 क्योंकि ये आपकी compact SUV है, ये आपकी आपकी कॉम्पैक्ट सेगमेंट में आती है। लेकिन अगर थोड़ा अगर थोड़ा वैसे अपने हिसाब से देखें तो इसका लुक ज्यादा अच्छा लगता है और मेरे हिसाब से इसका लुक मैगनाइट से ज्यादा बढ़ेगी बाकी अगर कम्फर्ट की बात करें तो एक सेवन सीटर गाड़ी है ये एक फाइव सीटर गाड़ी है तो सबसे पहले लाइटनिंग की बात करते हैं हम तो इस वाली गाड़ी में आपको हेलोजन सेटअप मिल जाएगा लैंप नहीं आते इस गाड़ी में लेकिन अगर आप जैसे ये टॉप मॉडल है टॉप मॉडल लोगे तो इसमें आपको जो डी है नीचे वो मिल जाएंगे लेकिन मेन आपको जो प्रोजेक्टर सेटअप है वो हेलोजन में मिल जाता है भले आप कोई भी मॉडल ले लो लेकिन इस गाड़ी में आपको जो लाइटनिंग सेटअप है प्रॉपर एल में मिल जाएगा इंडिकेटर हेलोजन है में लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें सब आपको एलई में मिलती हैं और खाली टॉप मॉडल में नहीं अगर आप सेकंड टॉप मॉडल में भी चले आते हो इसके जो ऑप्शनल वेरिएंट है उनमें भी चले आओगे आरएक्सटी वाला ऑप्शनल भी लोगे तो वहाँ पे भी आपको एलईडी सेटअप मिल जाएगा और अगर पावर फिगर्स की बात करें तो कायगर में आपको अच्छी खासी पावर मिल जाती है हंड्रेड बी एच पी और आई थिंक वन हंड्रेड थर्टी सिक्सोमीटर ऑफ टॉक मिल जाएगा वहीं जो ट्राइबर है यहाँ पे आपको बीच भी काफी कम मिलती है थोड़ी सी अंडर पावर इसको हम कह सकते हैं तो पावर के मामले में जो कायगर है वो काफी आगे है लेकिन अगर माइलेज की यहाँ पे मैं बात करता हूँ कंपनी कायगर में बीस का माइलेज क्लेम करती है और ट्राइवर में कंपनी आपको साढ़े उन्नीस का माइलेज क्लेम करती है मतलब दोनों ही गाड़ी में लगभग लगभग आपको बराबर का माइलेज मिल जाएगा हाईवेज में दोनों ही गाड़ियां आपको बीस का माइलेज निकाल के दे देती हैं और साइड की अगर लुक की बात करें तो यहाँ पे देखो इस ये एम है तो यहाँ पे डिजाइन कुछ इस तरह से मिलेगा और ये कहते हैं कॉमन एस है तो यहाँ पे लुक कुछ इस टाइप से आता है तो लुक के जिसमें पहले ही कह रहा था कायगर काफी आगे निकल जाती है और टायर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कायगर में आपको सोलह इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं वन का सेक्शन आपको मिलेगा काफी बड़ी प्रोफाइलिंग है वहीं अगर मैं की बात करता हूँ तो इसमें आपको व्हील नहीं मिलते हैं व्हील है, कैप है और अराउंड चेक करें तो इसमें आपको पंद्रह इंच का टायर का साइज मिल जाता है एक प्रोफाइलिंग थोड़ी छोटी मिलेगी और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको कायगर में काफी अच्छा मिलता है अराउंड 205 हंड्रेड 210 टू हंड्रेड का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा वहीं अगर हम ट्राइवर को देखें तो वहां पे आपको उसमें भी अच्छा मिलता है 182 mm का मिल जाएगा लेकिन कायगर के मुकाबले काफी कम मिलता है यहाँ पे मैं की बात करता हूं तो ट्राइवर में आपको जो कैबिन फील अच्छा मतलब, होता है आपको मतलब समझ लो जैसे मैंने आपको इससे पहली वीडियो में स्विफ्ट और वैगनार का बताया था तो वही सेम हिसाब यहाँ पे भी है भले इसमें आपको उतना अच्छा लुक नहीं मिल पाता लेकिन अंदर जो रूमी रूमी फील है वो आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगा कायगर से काफी अच्छी स्पेसिंग मिल जाती है भले की सीट्स उतनी कम्फर्टेबल नहीं है कायगर जितनी नहीं है लेकिन यहाँ पे अंदर आपको स्पेसिंग बहुत अच्छी मिल जाती है और यहाँ कहते हैं ना इसकी सीट्स काफी कंफर्टेबल है प्रॉपर बकेट टाइप सीट्स आपको मिल जाती है तो यहाँ पे बैठने पे कंफर्ट इस गाड़ी में आपको ज्यादा बढ़िया मिल जाएगा लेकिन इसका जो कैबिन उतना रूमी नहीं है जितना आपको में मिलता है यहाँ पे कंफर्ट अच्छा है लेकिन रूमी फील नहीं करा पाता लेकिन अगर मैं लुक्स की बात करता हूँ तो इंटीरियर इसका दिखने में ज्यादा अच्छा है ज्यादा बढ़िया फील आपको मिलेगा थोड़ा स्पोर्टी फील भी मिलता है प्रीमियम फील भी आपको मिल जाएगा आपको इस गाड़ी के अंदर बैठ के ज्यादा बढ़िया मिलता है क्योंकि उस गाड़ी वो ऐसा ना एक्चुअल में वो उन लोगों के लिए जिनको सस्ते में एक सेवन सीटर है तो वहाँ पे कॉस्ट कटिंग इसके मुकाबले ज्यादा हो रही है तो थोड़ा चीप फील होता है लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे फीचर्स भी अच्छे हैं कंफर्ट भी बढ़िया है भले इतना रूम ही नहीं है लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा जैसे मैं कह रहा था ना फीचर्स की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें फीचर्स आपको काफी कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू कागर इसमें आपको ऑब्वियसली माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे टच स्क्रीन मिल जाती है लेकिन उतने फीचर्स नहीं है यहाँ पे आपको कोई मोड सेक्टर नहीं मिल पाता ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता है ऐसे जो फीचर्स हैं वो इस गाड़ी में नहीं मिलेंगे बेसिक बेसिक से छोटे मोटे जो फीचर है स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया टच स्क्रीन हो गई यहाँ पे नॉर्मल से बेसिक से जो कंट्रोल है ये सब चीजें इसमें आपको मिलते हैं अगर आप कायगर में देखोगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है मोड सेलेक्टर यहाँ पे आपको मिल जाएगा जिसमें आपको स्नो मोड इको मोड स्पोर्ट्स मोड इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं फुली डीजल यहाँ पे आपको टच स्क्रीन मिल जाती है क्रूज कंट्रोल का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि यहाँ पे आपको ये लाइट वाला बटन ये भी मिल जाएगा इसको दबाने से मतलब डोर हैंडल हो गए यहाँ पे सेंटर कंसोल है इसके अंदर व्हाइट की लाइट चल जाएगी ताकि इंटीरियर थोड़ा प्रीमियम लगे रात में तो इस टाइप के अच्छे अच्छे फैंसी और काम के फीचर्स भी इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं और एक चीज़ गौर करना है यहाँ पे आपको देख रहे हो ये लेदर की स्टिचिंग भी मिल जाती है लेकिन आपको ड्राइवर में ये चीज़ नहीं मिलती तो फीचर के मामले में ये गाड़ी थोड़ी आगे है की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको चार स्पीकर और दो ट्रीटर का ऑडियो सेटअप मिलता है वहीं ड्राइवर में आपको सिर्फ चार स्पीकर का सेटअप ही मिलेगा और म्यूजिक क्वालिटी कायगर की थोड़ी अच्छी है सीट की कंफर्ट की बात करूँ तो इस गाड़ी में देखो जो अंधाई सपोर्ट है वो आपको काफी अच्छा मिल जाएगा यहाँ पे आपको दो एडजस्टेबल हेड्रेस ही मिल जाते हैं सिक्सटी फोर्टी स्लिट सीट का ऑप्शन मिलेगा और देखा जाए तो यहाँ पे दो लोग बहुत आराम से बैठ जाएंगे बीच में भी बैठेगा वो भी आराम से बैठ सकता है थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा लेकिन तीन लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे लेग रूम स्पेस भी यहाँ पे ठीक मिल जाता है और हेड रूम स्पेस तो काफी अच्छा है यहाँ पर तो देखा है फाइव पांच लोगों के हिसाब से ये गाड़ी काफी अच्छी है और वहीं अगर ड्राइवर में आप देखोगे तो यहाँ पे जो सीट्स हैं वो कुछ इस तरह से मिलेगी दो एडजस्टेबल हेड रेस यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे सपोर्ट यहाँ पे भी अच्छा मिल जाएगा लेकिन जो यहाँ पे स्पेसिंग है जो कैबिन स्पेस है वो आपको इसमें ज्यादा अच्छी मिलती है एज कम्पेयर टू काइगर क्योंकि यहाँ पर देखो ये ये सीट अभी थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट हो रखी है लेकिन अगर इनको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करूँ तो लेग रूम स्पेस मुझे यहाँ पे कायगर से काफी बढ़िया मिल जाएगा और यहाँ पे ऐसा बीच में कोई एसी सी भी नहीं है कायगर की तरह तो यहाँ पे तीन लोग आराम से बैठ जाएंगे एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा जो बंदा बीच में बैठेगा तो पांच लोग के हिसाब से काफी कंफर्टेबल है ये वाला एरिया लेकिन यहाँ पे एक बड़ा एडवांटेज और है कि इसमें आपको थर्ड रो का भी ऑप्शन मिलता है पीछे भी आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं तो मतलब टोटल इस गाड़ी में सात लोग बैठ सकते हैं पीछे अडल्ट के हिसाब से स्पेसिंग अच्छी नहीं है बच्चे ही बैठेंगे तो उनको अच्छा कंफर्ट मिल जाएगा लेकिन ओवरऑल देखा है तो इस गाड़ी की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है अगर आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है तो यहाँ पर आप अपने ज़्यादा फैमिली मेबर्स को बैठा सकते हो लेकिन अगर बूट स्पेस की बात करें तो कागर में आपको बहुत अच्छी अमाउंट में स्पेसिंग मिलती है बताया अभी मुझे करेक्टली याद नहीं लेकिन साढ़े तीन सौ लीटर की तक की बूट स्पेस आपको मिल जाएगी जो कि बहुत अच्छी है काफी अच्छा खासा स्टफ कैरी कर सकते हैं इसमें करते हैं ना 60 -40 सीट का भी इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है तो बूट स्पेस में ये गाड़ी काफी ज्यादा बाकी दो चीज मुझे दोनों ही गाड़ियों में बड़ी कॉमन लगी कि यहाँ पे आपको दोनों ही गाड़ियों में फंक्शनल रूफ रूफरेल्स मिल जाते हैं इस तरह से ऊपर भी आप लोड कैरी कर सकते हैं और दोनों ही गाड़ी में आपको ब्लैक कलर के जो ओ आर यू है वो मिल जाएंगे कायगर में भी ड्राइवर में दोनों में आपको बराबर चीजें मिलती है अगर यहाँ पे मैं सेफ्टी की बात करता रहा हूँ दोनों ही गाड़ियों को फोर स्टार रेटिंग मिल रही है इसको भी फोर स्टार रेटिंग है इसको भी फोर स्टार रेटिंग है तो सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है इस गाड़ी में भी आपको फोर एयर बाइक्स मिल जाएंगे टॉप मॉडल में और इसमें भी आपको टॉप मॉडल में फोर एयर बाइक्स मिलते हैं तो सेफ्टी का ध्यान यहाँ पे कंपनी ने रखा है भले आप दोनों में से कोई भी गाड़ी लेते हो तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि रेनोल्ड की गाड़ियाँ सेफ नहीं है और इंजन की बात करो तो दोनों में आपको हजार सीसी का इंजन मिलता है इसमें भी आपको हजार सीसी का टर्बो इंजन मिलेगा इसमें हजार सीसी का नॉन टर्बो इंजन मिलता है इसमें आपको टर्बो वेरियंट नहीं मिलते हैं इसलिए थोड़ी सी अंडर पावर है ये टर्बो वेरियंट जो है अच्छी खासी पावर आपको निकाल के दे देते हैं तो ओवरऑल देखा है देखो दोनों ही गाड़ियां अलग अलग सेगमेंट की हैं लेकिन देखो प्राइस रेंज जो है वो दोनों ही बराबर का इसका भी अगर आप बेस मॉडल लेते हो वो भी आपको सात लाख रुपए तक पड़ेगा इसका भी बेस मॉडल आपको सात साढ़े सात लाख रुपए तक पड़ जाता है लेकिन इसमें आपको जो सीटिंग कैपेसिटी है और जो कैबिन स्पेस है वो काफी अच्छा मिल जाता है और माइलेज भी काफी बढ़िया मिल जाएगा लेकिन इस गाड़ी में जो लुक्स हैं जो सीट्स uh, का जो कंफर्ट है बूट की जो स्पेसिंग है टायर का जो साइज है इस टाइप की जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो थोड़ी ज़्यादा मिलती हैं और इसमें आपको इंजन परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर मिल जाएगी एज कम्पेयर टू ड्राइवर लेकिन अगर आपको सस्ते में आपकी फैमिली में लोग ज्यादा हैं आपको थोड़ी अच्छी क्या के कहते हैं स्पेसिंग वाली गाड़ी चाहिए इसमें आप ज्यादा लोग बैठा सको तो आपके लिए ये चॉइस अच्छी बन सकती है आज की वीडियो इतनी रखते हैं बहुत जल्द मिलते हैं आपको ऐसी ऑनी वीडियोज के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम